झारखंड के विद्यार्थियों के साथ कितना गलत हो सकता है, एक झारखंडी विद्यार्थी इस दर्द को समझ सकता है। चीज़ें जिस तरह से रोज़ दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है JMM सरकार में, आप इस बात से भली भांति परिचित हो। चीज़ों को इतने निचले स्तर तक पहुंचा दिया है सरकार ने, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है। शिक्षार्थी जो टीचर बनने वाले हैं या फिर कोई और जॉब की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, सारे लोगों के साथ एक ही समस्या है कि सरकार के अंदर विल पावर नहीं है, यानी कि सरकार काम करने के लिए उत्सुक मुझे नहीं दिखाई देती है। कुछ चीज़ों को इन्होंने अच्छे से किया है, लेकिन अगर आप सचमुच में पूरे सारे चीज़ों को देखोगे तो रिक्रूटमेंट के नाम पर, नए नौकरियों के नाम पर सरकार ने ठेंगा ही दिखाया है। तो इस वीडियो में सरकार के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक छोटी सी सूचना है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये कैसे आने वाले 26,000 टीचर के रिक्तियों को प्रभावित करेगा, शिक्षक बनने के लिए और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, उसके बारे में अपडेट देनी है। आगे बढ़ूंगा, उससे पहले अपने दाल रोटी का इंतज़ाम करूँगा। जी हाँ, आप मुझे निर्लज बोलो, जो भी बोलो, बट जो हूँ सो हूँ। अगर आप JTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेना चाहते हो तो 70 रुपीज़ में, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinghat@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। आगे बढ़ते हैं और आपको न्यूज़ की जानकारी दे देते हैं। यहाँ से देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान, विधानसभा का सत्र चल रहा है झारखंड में, और अचानक से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें पारस हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया जाता है। यहाँ से आप इनकी इमेज देख सकते हो, बीमार चल रहे हैं ये। आगे देखिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ से बाबूलाल मरांडी BJP के नेता प्रतिपक्ष हैं, और इन्होंने क्या कहा है देखिए, कि उन्हें अचानक से तबीयत खराब हो जाने की सूचना मिली है और ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर जनसेवा के काम में लग जाएं, और इनकी फ़ोटो भी इन्होंने ट्वीट करी है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं, एयर बस उनको किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है, एयर बस के द्वारा उनको जो है पहुँचाया जाएगा चेन्नई, जहाँ पर उनका फिर से इलाज किया जाएगा। हम भगवान से सभी मिलकर दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, और झारखंड में जो भी 26,000 हो, 29,000 हो, व्हाटएवर वैकेंसीज है, प्लस टू हो, हाई स्कूल हो, उसकी रिक्ति की के जो बचे हुए काम है वो ज़रूर कर सकें। भगवान से दुआ कीजिए कि उन्हें और अधिक पावर मिले। थैंक यू सो मच।